महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ मां त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में महर्षि जी का जन्मोत्सव पूर्ण श्रद्धा भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम आश्रम के 25 वैदिक ब्राह्मणों ने गुरुदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। आश्रम प्रभारी पवनीश त्यागी एवं प्राचार्य राजकिशोर शर्मा ने महर्षि जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महर्षि जी एक अद्वितीय संत थे। उन्होंने समग्र विश्व के 190 देशों में 95 लाख से भी अधिक लोगों को भावातीत ध्यान, योग, सिद्धि, सूत्र साधना की दीक्षा दी और सनातन वैदिक संस्कृति सभ्यता का पाठ पढ़ाया। आचार्य लोकेश मिश्रा एवं चैतन्य जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पूज्य महर्षि जी भूतल पर ही स्वर्ग का निर्माण हो, राम राज्य की स्थापना हो, समाज का उत्थान हो और शिक्षा के माध्यम से मानव कल्याण के लिए अनेक धार्मिक सामाजिक कार्यों के द्वारा सदैव प्रयासरत रहे। इस पावन अवसर पर महर्षि परिवार के साथ अनेक गणमान्य विशिष्ट नागरिक आचार्य राम रतन गव, आचार्य उदयराम, राकेश शुक्ला, रुपेश शास्त्री, नरेश विशाल, आदित्य चंदन, अशोक, इंद्र कुमार पाठक, मेघराज, चंद्रभूषण, पंकज, ब्रिजकांत, श्रीकांत, आशीष, प्रोफेसर ऋषिकांत, मनीष, शंभु, रोहित और राहुल भी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। लोकाज्ञानपयोधपालमधुरां श्रीशङ्करं शर्मा।